राहुल, क्या जानकारी है? ईद में बड़ी गड़बड़ी की बात हो रही है। जी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ईद में बड़ी गड़बड़ी की बात सामने निकल के आई है, जिसको लेकर सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूफी मोहम्मद कौसर हसन, उनके द्वारा अमित शाह और तमिलनाडु, कर्नाटक, इसके अलावा बात करें केरल के, इनके मुख्यमंत्रियों को भी उन्होंने पत्र लिखा है। कहीं ना कहीं गड़बड़ी की आशंका है। आशंका इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से सीए और नाटी में प्रदर्शन हुए थे, उसको लेके जो अभी रोजर स्टार पार्टी में जिस तरीके के बयान निकल कर सामने आए, मोहम्मद तरीक के जो पीएफआई का नेता बताया जाता है, उसके जो बयान सामने निकल के आए, जिसके चलते देश को दंगों में झोंकने के प्रयास किए जा सकते हैं ईद में, इसी को लेकर जो सूफी कौसर है उन्होंने ये पत्र लिखा है, अमित शाह को लिखा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री को लिखा, केरल के मुख्यमंत्री को लिखा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को लिखा। जी ठीक है, लेकिन ईद को लेकर तैयारियां कैसी हैं? क्योंकि पहले से ही जब संकेत मिल चुके हैं, तो पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम की अगर हम कानपुर शहर की बात करें, तो बहुत ही सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से टारगेट में रखी गई है। टारगेट में कई जो मुस्लिम संवेदनशील इलाके हैं, वो टारगेट में आसपास से ही पुलिस की गश्त शुरू हो जाएगी मुस्लिम इलाकों में। कहीं ना कहीं कल ईद का पर्व है और ईद का पर्व शांति पूर्वक निपटे, इसके चलते कानपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से, कमिश्नरेट पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जी सूफी मोहम्मद के पत्र पर क्या कुछ कहा गया सरकार की तरफ से, या कोई जानकारी प्रशासन की तरफ से अवगत कराई गई है? जी देखिए, जो सूफी मोहम्मद की तरफ से, जो सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोहम्मद कौसर हसन, उनकी तरफ से अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह को यह पत्र भेजा गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि ईद में कहीं ना कहीं जो ईद का माहौल है उसको खराब करने की कोशिश की जा सकती है। जो पीएफआई का नेता है, उसके द्वारा ये पूरा घटनाक्रम, जिस तरीके से उसने रोजा स्टार पार्टी में भड़काऊ भाषण के बाद देश को बड़े दंगों में झोंकने की तैयारी, इसको रोकने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह को ये पत्र दिए गए। जी चलिए राहुल, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे, रमजान के पाक महीने के बाद ईद को लेकर तैयारियां जोर शोरों से चल रही है। धर्मनगरी काशी में रमजान के तीसरे और आखिरी दिन बाजारों में रोजेदारों की भीड़ देखने को मिली, खास करके सेवइयों की दुकानों पर रोजेदारों और उनके परिवारों की भीड़ देखने को मिल रही है। रोजेदार इस बार अलग अलग तरह की सेवइयों की डिमांड कर रही है। ईद है, मंगलवार को ईद का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। और ईद के बारे में बता दूं कि ईद जो है मुस्लिमों का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। हम बनारस के अर्दली बाजार क्षेत्र में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम जो सेवई की दुकानें हैं वो सज चुकी हैं, मेवा की दुकानें सज चुकी हैं और ख़रीदार आ रहे हैं, सेवइयों की जो खरीदारी कर रहे हैं। जिस तरीके से 29 दिन का जो रोज़ा होता है चांद ना दिखने की वजह से, वो 30 दिन का हो गया और इसलिए कल ईद मनाई जाएगी। और बनारस में काफ़ी जो है जोश है, उत्साह है, हालांकि धूप बहुत है, रोजेदार अभी कम निकले हैं। आशा है कि शाम तक जो है भीड़ जो है उमड़ पड़ेगी खरीदारी करने के लिए। कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे हम जानते हैं, बात करते हैं। क्या भैया, क्या खरीदने हैं? लच्छा समय खरीदने हैं, दूध पेनी खरीदने हैं, दूध पेनी खरीदना है। जिस तरीके से कोरोना काल के बाद इस बार ईद पड़ रही है, पिछला 2 वर्ष तो ऐसे ही चला गया था, तो किस तरीके से इस बार मनाएंगे ईद? इस बार अच्छे से मनाया जाएगा, अच्छे से मनाएंगे। अगर महंगाई की बात करें तो कितना फर्क आया है रेट में? बहुत सा फर्क आ गया महंगाई में। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। देखिए, कुछ महिलाएं भी खरीदारी कर रही हैं। क्या खरीदने हैं माता जी? नहीं, बस पापा खरीदने हैं। जी कैसे मना रही हैं इस बार? कैसे मना रही हैं? अच्छे से मना रहे हैं। 2 वर्ष बाद, कोरोना काल के बाद इस बार काफ़ी जो है जोश दिख रहा है ईद मनाने में, क्या कहेंगे महंगाई की अगर बात करें तो? महंगाई तो सर बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का रहम करम है, उसमें सबका काम चल रहा है। हालांकि 29 दिनों का रोजा होता था, इस बार एक दिन बढ़ गया, 30 दिन बाद हो रहा है। इंशाल्लाह 30 रोजा हम लोग को पूरा मिलेगा इस साल, तीस रमजान पूरा होगा, आज तीसवां रोजा भी है। देख सकते हैं कि यहाँ पे सेवई की जो 4-5 प्रकार है, लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। महंगाई, इनका कहना है कि पहले से कुछ बढ़ी है,
धूप है इसलिए जो है अभी खरीदार कम है। शाम को लोग रोजेदार निकलेंगे। आप देख सकते हैं हमने सर्विस के दिखाए आपको कि तमाम तरीके की जो सेवैयाँ हैं, जो जीरो है, डबल जीरो है, चाहे दूध के संग खाने वाली सेवैयाँ हैं, इस तरीके से चार पाँच प्रकार की जो मुख्य सेवैयाँ हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाजार में बनारस का रेली बाजार का क्षेत्र है ये, आप देख सकते हैं किस तरीके से सेवई का पूरा मार्केट सजा हुआ है। खरीदार आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं और ईद का त्यौहार मनाने के लिए पूरे जोश से, पूरे खरोश से यहाँ पे मौजूद हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। मोहित गुप्ता संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, कल ईद है, कैसी तैयारियां हैं आज? देखिए बिल्कुल, अगर ईद को लेकर जो प्रशासन है उसकी तैयारियां चाकोर चौबंद कर ली है। पूरे जनपद को 10 सेक्टर भागों में बांट चुके हैं, यानी कि अलीगढ़ में जितने भी जिले, जितने भी थाने हैं उनको 10 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। हर सेक्टर पर एक एक स्टैटेड मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। और देखिए अगर पुलिस व्यवस्था की बात करते हैं तो सुबह कल 7:30 बजे से ईद की नमाज होनी है और 6:30 बजे जितने भी यहाँ ईदगाह है वहाँ पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। यानी कल सुबह 6:30 बजे से हर ईदगाह पर पुलिस फोर्स की तैनाती रहेगी। जो शाह जमाल की बड़ी ईदगाह उस पर सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे और साथ ही साथ में 2 कंपनी PSC एक्स्ट्रा मंगा ली गई है। कहने का तात्पर्य सीधा सीधा यही है कि 2 साल बाद ईद उल फितर का त्यौहार जो ईदगाह पर नमाज पढ़ी जाएगी, यानी कि कोरोना काल में 2 साल में ईदगाह पर नमाज नहीं पड़ेगी, लेकिन अब क्योंकि कोरोना कम हो चुका है तो ईदगाह पर नमाज पढ़ने की परमिशन दे दी गई है। तो जितने